हाय स्टूडेंट्स, अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो में हम लोग एक थ्योरम देखने वाले हैं। ये थ्योरम्स जो है, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हमारा चैप्टर है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर में एक तीन तीन या चार थ्योरम्स है। ये तीन चार थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पुराने पेपर्स देखते हैं बोर्ड्स के, तो आप लोगों को दिखेगा कि इनमें से एक दो थ्योरम जो है वो रिपीटेडली आप लोगों को एग्जाम में पूछते हैं, और ये रिजल्ट से रिलेटेड हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने हैं। अब ये जो थ्योरम है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर अर्लियर। इसके पहले के अगर दो तीन वीडियोस आप लोग देखेंगे, तो उसमें आप लोगों को ये सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो यहां पे क्या दिया है ये थ्योरम, द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स। अवर चैप्टर इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, सो व्हाट इज दिस, द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स। सो दैट मीन्स वी हैव गिवन टू लाइन्स और उसका कंबाइन इक्वेशन करना है। कंबाइन इक्वेशन हम लोगों ने देखा है कि अगर दो लाइन्स का कंबाइन इक्वेशन अगर करना है, तो कंबाइन इक्वेशंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रोडक्ट करते हैं। सो दिस इज वन थिंग थ्रू द ओरिजिन। सो दैट मीन्स वी हैव गिवन टू लाइन्स, वी हैव टू ऑब्टेन द कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स एंड बोथ द लाइन्स पासेस थ्रू द ओरिजिन। नाउ अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है, तो उसका इक्वेशन क्या है वो हम लोगों को मालूम चाहिए। अब जनरली क्या होता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ लाइन। एक इक्वेशन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड अनदर विच डजंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। मीन्स अगर ओरिजिन में से पास होती है, तो इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, दैट मीन्स जीरो जीरो। सो इन दैट केस वी वॉन्ट ओनली द स्लोप ऑफ दैट लाइन। अगर हम लोगों को वो लाइन का स्लोप अगर मालूम है, तो देन इट विल बिकम वाई इज इक्वस टू एम एक्स। वाई इज इक्वस टू एम एक्स, ये फॉर्म में वो जो लाइन है, वो लाइन की इक्वेशन रहेगी। या फिर वही अगर हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन अगर देखते हैं, तो जनरल फॉर्म क्या है इक्वेशन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो इफ द कॉन्स्टेंट टर्म सी अब्सेंट इन दैट इक्वेशन, देन इट विल बी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेज थ्रू द ओरिजिन। सो दैट इज दैट वॉट वी हैव गिवन। एक तो हम लोगों को दो लाइन्स गिवन है, वो दो लाइन्स कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। ओरिजिन से पास होती है मतलब जो जनरल फॉर्म है लाइन का, उसमें कॉन्स्टेंट टर्म अब्सेंट है, उसका कंबाइन इक्वेशन बनाना है। कंबाइन इक्वेशन बनाना है मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई द टू लाइन्स, टू लाइन्स की इक्वेशन जो है उसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये करने के बाद व्हाट वी विल गेट, वो क्या कहता है कि इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाई। यानी ये जो आने वाला इक्वेशन है, वो आने वाला इक्वेशन कैसा रहेगा, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाई। मतलब उसका एक्स और वाई में होमोजीनियस। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने होमोजीनियस इक्वेशन देखा है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या है कि जहां पे हर एक टर्म की डिग्री सेम रहती है, लेकिन एक्स एंड वाई में है। एक्स एंड वाई में है मतलब एक्स वाई के इक्वेशन में रहना चाहिए, डिग्री टू रहना चाहिए। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाई। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस थियरम एंड वॉट वी हैव गिवन एंड वॉट वी हैव टू शो। So let us start the proof of this theorem. How we will do it? So what we have given? We have given two lines or pair of lines passing through the origin. ये हम लोगों को given है. So let us take two lines. So consider the two lines U and V both passing through the origin. So just I have told you that अगर वो line equation passes through the origin है, तो origin से pass होती है, तो उसका equation एक तो y is equals to mx ये form में रहेगा। अगर जनरल फॉर्म में हम लोगों को लेना है, तो जनरल फॉर्म में कांस्टेंट की टर्म उसमें एब्सेंट रहेगी, मतलब
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है तो सी उसमें से अब्सेंट रहेगी. सो यू इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. And v is equals to a to x plus b to y is equals to 0. This is second equation. As you will observe that here c jo term hai, constant term hai, that means it includes only variable terms x or y, and constant term is absent from here. So now we have to find out the combined equation of the two lines. So combined equation form karna hai, matlab I will multiply these two lines, that means u into v. So therefore the combined equation of the lines is u into v is equals to 0. So this is your combined equation of the line. Now we will multiply this equation and then we will find out what happened. So this is a1x plus b1y plus e2x plus b2y is equals to 0. This is the multiplication of these two lines. Now if I will solve this bracket or all thoroughly I will multiply it. So what happens here? A1 a2 x square plus a1 b2 xy plus a2 b1 xy plus b1 b2 y square is equals to 0. So अगर ये मैं ब्रैकेट दोनों सॉल्व करता हूं, एक एक टर्म अगर मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में मुझे ये इक्वेशन मिलेगा. अभी इक्वेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें a1 a2 x square की टर्म है, उसके बाद में बीच की जो दो टर्म्स है a1 a1 b2 xy और यहां पे xy है. तो यहां से अगर मैं xy कॉमन निकालता हूं, सो व्हाट विल गेट, वी विल गेट a1 a2 x square plus a1 b2 plus a2 b1 xy. सो आई हैव कॉमन द xy फ्रॉम दिस टू टर्म्स. नाउ ऑब्जर्व दिस, व्हाट वी हैव टू शो दैट दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एंड वी हैव नो दैट द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 अगर मुझे चाहिए तो जितनी भी टर्म्स है उसकी डिग्री क्या चाहिए, 2 चाहिए. सो दिस इज x स्क्वायर, द डिग्री इज 2, x into y 1 1 डिग्री 2, y स्क्वायर डिग्री 2. सो यू विल सी दैट द ईच टर्म इज ऑफ डिग्री 2. सो नाउ अगर मैं इसको क्या करता हूं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लाना है, जनरल फॉर्म ऑफ डिग्री 2 में लाना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे जो एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट है उसके लिए मैं एक स्पेशल कांस्टेंट जो है वो पुट करता हूं. सो हियर वी विल पुट ए वन ए टू इज इक्वल टू ए, एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है जनरली इट इज एज टू एच, और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है बी वन इंटू बी टू, उसके लिए हम लोग बी लेंगे. तो ये पुट करने के बाद व्हाट वी विल गेट, a x square plus twice h x y plus b y square is equals to 0. So now let us watch this. What is this? This is a homogeneous equation of degree 2 in x and y. And that what we have to show. Yaane, agar do combined equations, do lines hai, wo do lines passing through origin hai, और उसका जो कंबाइन इक्वेशन अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो रिमेंबर दैट वो जो कंबाइन इक्वेशन है, वो कंबाइन इक्वेशन क्या आता है, इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, एंड द फॉर्म ऑफ दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो विच इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 in x and y. So we must remember this equation because all the other concepts related to the combined equations are in the form of this. Ye jo equation rahega isse hi related rahegi. So that's why we must remember this. What is that equation said? Ax square plus twice hxy plus by square is equals to 0. So this is the theorem, and this is a very important theorem, how to obtain the combined equation. The combined equation obtained.